देखो मूवी कैसी भी हो अगर उसका एंडिंग बढ़िया हुआ तो थिएटर से बाहर निकलने के बाद एक अच्छा वाला फील आता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र देखने के बाद वो फील बिल्कुल नहीं आता है। कुछ लोग तो यही कंफ्यूज हैं कि मूवी उनको अच्छा लगा भी है या नहीं। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि मूवी मुझे अच्छा लगा है या नहीं। लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि इसका फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ से काफ़ी बढ़िया है। अगर तुमको मैं ब्रह्मास्त्र की प्लॉट के बारे में हल्का से बता दूँ तो इसका सिंपल सा प्लॉट है कि एक ब्रह्मास्त्र रहता है जो अस्त्रों का देव रहता है, उसका तीन टुकड़ा हो जाता है। वो तीनों टुकड़े को मौनी रॉय को खोज के अपने गुरु को आज़ाद करनी रहती है और उसे ना आज़ाद होने से रोकने के लिए अपना शिवा और उसके टीम उनको रोकती है। बस यही था पूरे ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा का प्लॉट। बात की जाए कि फर्स्ट हाफ कैसी थी, फर्स्ट हाफ मुझे काफ़ी बेहतर लगी सेकेंड हाफ से। फर्स्ट हाफ में तुमको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स देखने को मिले हैं जो तुमको पूरा एकदम हाइप्ड अप गूजबम से पूरा भर देते हैं। इस पिक्चर में मुझे बहुत जगह गूजबम सा है, शुरू से लेकर एंड तक तुमको ऐसा लगेगा पूरा बाली खड़ा हो गया है। तो थिएटर एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़बरदस्त था। थिएटर में कुछ लोग तो पागल ही हो रहे थे, सबको फिल्म काफ़ी मज़ा आ रही थी फर्स्ट हाफ तक। सेकेंड हाफ जैसे ही आता है वही जो एनर्जी थी काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी थी और सेकेंड हाफ में भी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था कि लोग उछल के खड़े हो जाएं। लेकिन इन आते आते तक सब थोड़ा मोड़ा हाइप्ड अप हो ही गए थे। अगर बात करें इस मूवी की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की तो VFX, इस मूवी में तुमको VFX भी ठीक ठाक ही था। इस मूवी में तुमको VFX यूज किया गया ज़्यादातर पावर्स को शोकेस करने में। अगर कोई कैरेक्टर अपना पावर यूज कर रहा है तभी VFX यूज की जा रही है एज ए लाइट के तौर पर। एक्शन सीन्स भी काफ़ी मस्त थे। अगर बात करो कितने सारे एक्शन थे, अगर तुमने इसका ट्रेलर प्रोमो और जो छोटे मोटे क्लिप्स आए वो सब देख रखा है तो उतने ही एक्शन थे पूरे पिक्चर में। मूवी में तुमको कुछ ज़्यादा ही रोमांस देखने को मिलता है जो एक समय पे आके क्रिंज हो जाता है। और ये मूवी तुमको 10-8 साल से बन रही थी तो उसी टाइम की ये मूवी तुमको देखने में लगती है। और मेरे अगल बगल में जितने भी लोग थे सबका यही प्रॉब्लम था कि इसमें रोमांस कुछ ज़्यादा ही डाल दिया गया है। अगर मूवी इतने साल से बन रही तो कुछ न कुछ तो कमी आएगी ही। बात करें अपने रणबीर कपूर आलिया और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की तो एक्टिंग इनकी कुछ ओवरवेल्म नहीं है कि जैसे कि एकदम मज़ा ही आ गया हो देख करके। ठीक ठाक सी एक्टिंग थी जो पिक्चर में काम कर जाती है। और इसमें तुमको SRK का कैमियो देखने को मिलेगा, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये तो पहले ही लीक हो चुका है। इस पिक्चर में SRK थे और उनको देखकर तुमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर तुम SRK के फैन हो तुम ये पिक्चर उनके लिए देख सकते हो, तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस पिक्चर की स्टोरी प्रिडिक्ट मैं पहले ही कर चुका, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी कार्ड्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक करना। उसमें मैंने 11 पॉइंट्स बताए हैं, उसमें से 7 से 8 सही हुए हैं। चलो बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो इस पिक्चर में काफ़ी सारी कमी मुझे लगी। एक तो एक सीन ऐसा आता है पिक्चर में जहाँ रणवीर कपूर एक बिल्डिंग से जंप करता है, वहाँ पे वो चीज़ ऐसा लगे कि वहाँ कट किया जा रहा है, मतलब वो जंप कर रहा है जब दूसरा एंगल दिखाया जा रहा है कि लग रहा है कुछ लटक के आ रहा है, हार्डनेस यूज करके आ रहा है, वो क्लियरली विजुअल हो रहा था। अब बहुत लोगों ने नोटिस किया भी नहीं होगा। फिर बात की जाए मौनी रॉय की तो मौनी रॉय की एक्टिंग अभी भी नागिन सीरीज जो टीवी पर आती थी उसकी तरह ही लगती है, कुछ ऐसे उनका इम्प्रूवमेंट नहीं है। और आलिया भट्ट की एक्टिंग आलिया भट्ट जैसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और अमिताभ बच्चन जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, मतलब सबकी परफॉर्मेंस फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक थी। अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी इसमें रोमांस कुछ क्रिंजी टाइप का हो गया है और कुछ डायलॉग्स भी ऐसे डिलीवर किए जा रहे थे जो पिक्चर में होने का बिल्कुल जरूरत नहीं था। मेरे बगल में जो बंदा बैठा हुआ है वो भी कंप्लेन कर रहा था कि इस पिक्चर में डायलॉग का क्या जरूरत है सुपर हीरो मूवी में, इस टाइप के क्रिंजी डायलॉग्स के, क्रिंजी इन द सेंस रोमांस वाले डायलॉग्स के कोई जरूरत ही नहीं था, उसको निकाल भी देते घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इस पिक्चर में तुमको एक किसिंग सीन जो एंड में आते आते मिल ही जाता है, बाकी टाइम तो पूरा बिल्डअप ही किया जा रहा है, लगता है कि अब कहीं चुमा चाटी ना हो जाए। सिंपल कंक्लूजन यही है कि ये ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा पूरा तुमको बिल्डअप किया गया है आने वाले दो पिक्चर के ऊपर। इसमें तुमको पूरा ब्रह्मास्त्र के अस्त्रों के ऊपर दिखा दिया गया है, शिवा की स्टोरी हमें चल गई पता, और जो दूसरी पार्ट आई उसमें हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है ब्रह्मास्त्र रिलेटेड। अगर तुम मुझसे पूछो कि तुम्हें ये मूवी देखनी जानी चाहिए या नहीं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हाँ तुम ये मूवी जाके देख सकते हो, लेकिन अकेले मत जाना, दो चार फ्रेंड हो फैमिली हो तो आराम जाके देख सकते हो, काफ़ी मजा आएगी तुम्हें, कुछ नया भी देखने को मिलेगा बॉलीवुड की तरफ से। और ये पिक्चर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि एकदम तुमने ऐसा कभी देखा ही ना हो, हाँ बॉलीवुड में भले ही ना देखा हो लेकिन बाहर तुमने देख रखा होगा। अगर बात की जाए रेटिंग की तो मैं इसे दूंगा 3.5 out of 5 स्टार्स। तो बस यही था सारा मामला। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।